जय हिंद साथियों। हम लोग कल पढ़े थे केमिस्ट्री का चैप्टर 6। ठीक है, 6 चैप्टर में था ऑक्सीकरण एवं अवकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7। ठीक है, 7 में है साथियों अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितना भी सवाल होगा टोटल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको PDF के लिए टेलीग्राम में भी जुड़ जाना है। ठीक है साथियों, और ये भी देखेंगे इस चैप्टर में जितना भी सवाल है टोटल एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ साथियों अगर आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए किशन ग्लोबल स्टडीज से तो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं इस चैप्टर में कितना सवाल दिया गया है। ठीक है, चैप्टर का पहला सवाल है साथियों कि अम्ल एसिड वह पदार्थ है जो क्या है साथियों, अम्ल वह पदार्थ है जो क्या होता है। ऑप्शन ए दो दिया गया है, ऑप्शन ए में बोला है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बी है इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, सी प्रोटॉन देता है और डी OH आयन देता है। ठीक है, अम्ल जो अम्ल एसिड वह पदार्थ है साथियों वह क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन देता है। क्या करता है साथियों, सिर्फ और सिर्फ वह प्रोटॉन देता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन देता है। ए मेरा सॉरी सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पहला सवाल है पूछा अम्ल क्या है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट जो सवाल है वह बोल रहा है कि भस्म वह पदार्थ है, भस्म क्या पदार्थ है साथियों, तो भस्म जो पदार्थ है वह है मेरा प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन देता है और भस्म क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट सवाल है अम्ल और भस्म, आगे पूछा साथियों पाला में कि अम्ल क्या करता है, तो प्रोटॉन को क्या करता है, देता है। ठीक है, और भस्म क्या करता है, ग्रहण करता है। अब दोनों साथ में पूछ रहा है कि अम्ल और भस्म जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, अम्ल और भस्म दोनों जब अभिक्रिया करता है जो बना पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, तो उसको हम बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं, लवण। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों, इसलिए शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। पहला में बोला कि अम्ल क्या करता है, तो प्रोटॉन देता है। दूसरा में बोला भस्म क्या करता है साथियों, तो भस्म क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है। और तीसरा में बोला साथियों कि अम्ल और वह भस्म जो होता है एक दूसरे से जब दोनों अभिक्रिया करता है तो दोनों क्या प्रदान करता है, लवण को बनाता है। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट है साथियों कि उदासनीकरण क्रिया में बनता है, उदासनीकरण क्रिया में क्या बनता है साथियों, तो उदासनीकरण क्रिया में बनता है लवण और जल। क्या बनता है साथियों, लवण जल बनता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अम्ल एवं भस्म का जब परीक्षण किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है उसमें सिर्फ सिर्फ किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल एवं भस्म का जब परीक्षण किया जाता है तो उसमें लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है नीले लिटमस सॉरी अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है साथियों, वह कर देता है लाल। क्या करता है, लाल कर देता है। यह 9th का सवाल है। ठीक है साथियों, 9th में भी पढ़े होंगे आप लोग और 10th में भी पढ़े होंगे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है अब तो आगे बोला कि अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, वो लाल कर देता है। अब बोल रहा है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, किस कारण से लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है साथियों, तो वह करता है भस्म के कारण। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर जो देता है वह भस्म करता है। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सवाल कि जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, जब जल में घुलनशील भस्म होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे साथियों, उसको हम बोलते हैं क्या, तो क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये पूछा है, ठीक है साथियों। तो इसमें कथन जो सही है मेरा वह है डी, उपयुक्त सभी का सभी जो कथन है सब का सब सही है कि छार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ठीक है, ये बात भी सही है। आगे नेक्स्ट है कि छार लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह बात भी सत्य है, ठीक है साथियों। और सी जो ऑप्शन है वह है सभी छार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म छार नहीं होते हैं, यह बात सत्य है, इसलिए डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों, सभी अम्ल में जल घुलकर प्रदान करता है, जब अम्ल में जल घुलकर प्रदान करता है तो क्या प्रदान करता है साथियों, वह प्रदान करता है H+ आयन, क्या करता है H+ आयन प्रदान करता है, ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भस्मों का जो स्वाद होता है कैसा होता है, भस्मों का स्वाद होता है साथियों खारा, क्या होता है खारा, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथियों इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग MTS का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट आपको, मतलब आप लोगों में किसको किसको चाहिए प्रीवियस ईयर, ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को बहुत ही जल्द, क्योंकि 31 सितंबर से MTS का एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है, तो आप लोगों को कम से कम 10 से 15 सेट आप लोगों को GS का प्रैक्टिस सेट मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल, सवाल है भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होते हैं, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होते हैं साथियों, तो वह जो आयन है वह है मेरा OH-, क्या है OH-, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, pH में P किसको प्रयुक्त होता है, pH में जब P जो है साथियों वह किसको प्रयुक्त करता है ये बताना है, ठीक है, वह प्रयुक्त करता है किसको, तो साथियों पी जो प्रयुक्त करता है वह पोटेंज को प्रयुक्त करता है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, किसको प्रयुक्त करता है साथियों, तो पोटेंज को, डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है कि pH मान निर्धारित किसने किया है, यह पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, और यह प्रैक्टिस सेट में पूछता है कि pH मान जो निर्धारित किया गया है किस वैज्ञानिक ने किया है ये बताना है, ठीक है, तो उस वैज्ञानिक का नाम है साथियों सोरेंस, क्या नाम है, pH मान जो निर्धारित किया है वो सोरेंस ने किया है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है सवाल है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का जो मान होता है कितना होता है, तो उसका मान होता है साथियों 10^-7, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, अम्लीय घोल का pH मान होता है, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है साथियों, तो उसका मान होता है 7 से कम, अम्लीय pH मान जो घोल होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों, क्षारीय घोल का pH मान होता है, क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है साथियों, तो क्षारीय घोल का pH मान होता है 7 से अधिक, ठीक है, क्या होता है 7 से अधिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, उदासीन विलयन का जो pH मान होता है साथियों वह होता है 7, कितना होता है 7, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन से गैस निकालती हैं, ठीक है साथियों, वह गैस जो निकालता है हाइड्रोजन, कौन निकालता है साथियों हाइड्रोजन गैस, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है, रक्त का pH मान होता है, रक्त का pH मान कितना होता है साथियों, तो वह होता है 7.4, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल साथियों JPSC 2013 में पूछा गया सवाल है, और हर एक एग्जाम में किसी न किसी सेट में और किसी भी किसी एग्जाम में, मतलब जिसको बोलते हैं शिफ्ट वाइज, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है, ठीक है, कि अम्ल सॉरी रक्त का जो pH मान होता है वो होता है 7.4, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि सामान्य दूध का जो pH मान होता है कितना होता है, सामान्य दूध का, तो सामान्य दूध का pH मान होता है साथियों
6.7 से लेके 6.9। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य दूध का पीएच मान 6.7 से लेकर 6.9 तक, ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान होता है साथियों 10, कितना होता है 10 होता है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि जो लवण, क्या है साथियों, कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोडॉक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं। सवाल है साथियों कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सी आयन से मुक्त रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साथियों सामान्य लवण, क्या कहते हैं सामान्य लवण कहते हैं, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सामान्य लवण नहीं है, सामान्य लवण नहीं है, कौन सामान्य लवण नहीं है साथियों, तो वह है मेरा NaHSO4 सामान्य लवण नहीं है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जटिल लवण का उदाहरण है, जटिल लवण का उदाहरण कौन सा है साथियों, तो वह है मेरा डी, इनमें से सभी जो है जटिल लवण का उदाहरण है, ठीक है, डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहर लवण, मोहर लवण क्या है, तो मोहर लवण साथियों एक प्रकार का द्विक लवण है, क्या है द्विक लवण है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण कौन सा है साथियों, तो अम्लीय लवण हो जाएगा मेरा H2CO3, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है निम्न में किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। सवाल है साथियों कि निम्न में किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, तो नीला कौन कर देता है साथियों, वह करता है Na2CO3, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन करता है Na2CO3, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस अभिक्रिया से घुलनशील लवण बनते हैं, किस अभिक्रिया से घुलनशील लवण बनते हैं साथियों, तो वह बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया, किससे बनते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, आगे नेक्स्ट है साथियों कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन किस प्रकार होता है साथियों, तो वह होता है क्षारीय अम्लीय अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है साथियों वह होता है क्षारीय, क्या होता है क्षारीय, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है साथियों कि लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है साथियों, वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, क्या कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल में बोला है एक गैस के विसरण की जो दर होती है क्या होती है, एक गैस विसरण की जो दर होती है साथियों वह होता है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, इससे पहले आपको बता दें कि पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, तो उसमें एक पेज जो है वो दूसरे चैप्टर का चला गया है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल, इस चैप्टर का सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन इसमें सही है ये बताना है, तो सही जो कथन है साथियों मेरा ये हो जाएगा कि हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच मान के बीच कार्य करता है, यह बात सत्य है, ठीक है, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा, यह जो सर्वप्रथम कहा था साथियों वह है वैज्ञानिक डेवी, कौन है डेवी, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है पीएच मूल्यांक दर्शाता है, पीएच मूल्यांक जो दर्शाता है कौन दर्शाता है साथियों, वह दर्शाता है मेरा किसी घोल के
अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक कौन दर्शाता है साथियों? तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि जलीय विलयन की अम्लीयता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है साथियों? वह उपकरण है पीएच मीटर। ठीक है, सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य के खून का जो पीएच होता है क्या होता है? तो साथियों वह जो होता है कम क्षारीय होता है। क्या होता है साथियों? कम क्षारीय होता है, सी एच, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का जो खून का पीएच मान होता है वो कम क्षारीय होता है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और साथियों बता दें कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अंत तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान साथियों वह होता है 7। कितना होता है? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि किसी द्रव का जो पीएच मान 7 पाया जाता है, संभवतः कौन सा द्रव है? कौन सा द्रव है साथियों? वह द्रव है जल। क्या है? जल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होता है, शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन जो होता है कौन होता है साथियों, ये बताना है। ठीक है, तो वह होता है अत्यधिक अम्लीय विलयन। कौन होता है? अत्यधिक अम्लीय विलयन, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि दिए गए पदार्थ के लिए पीएच का जो सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पीएच का सही क्रम जो है इसमें कौन सा है? तो सही जो क्रम है मेरा डी हो जाएगा, नींबू का रस। ठीक है, फिर हो जाएगा कॉफ़ी, फिर रक्त, फिर मिल्क का, मिल्का ऑफ द मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है साथियों, डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों इस चैप्टर में जो सवाल टोटल था वो 42 सवाल है। ठीक है, काफ़ी सवाल, ज़्यादा सवाल तो नहीं था साथियों, काफ़ी जो बोल दिए। ठीक है, तो 42 सवाल है, दो सवाल बच चुका है। ठीक है, दो सवाल बच चुका है। इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेत नहीं है? प्राकृतिक जो है अम्ल क्षारक संकेत नहीं है, तो अजवाइन। क्या है साथियों? अजवाइन का जो पत्ता है वो प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? किस तरल पदार्थ का पीएच मान जो है सबसे अधिक होता है, यह पूछा गया सवाल है साथियों एसएससी का। ठीक है, तो सबसे अधिक जो होता है वह होता है मेरा साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसका होता है? मैग्नीशिया, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी सवाल था साथियों अम्ल, भस्म और लवण का टोटल सवाल को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब कल जो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।